पहले फेसबुक, उसके बाद सिल्वर लेक और अविस्ता इक्विटी पार्टनर्स। जी हाँ, अविस्ता इक्विटी पार्टनर्स रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने जा रही है। अमेरिका स्थित इस कंपनी ने रिलायंस जियो में 11,367 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, यानी निवेश करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसकी भागीदारी रिलायंस जियो में 2.32% हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने इस बारे में बयान दिया और कहा कि इस कंपनी के ब्रायन सेठ, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वह भारत में विश्वास करते हैं। जब दो कंपनी साथ में आएंगी तो इससे भारत में एक डिजिटल परिवर्तन सामने आएगा। अब आपको समझाते हैं इस डील के बारे में पांच खास बातें, और जो रिलायंस ने पिछली तीन डील की हैं उसका क्या निचोड़ है। रिलायंस इंडस्ट्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस निवेश से जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए और इंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। विस्टा इक्विटी पार्टनर अमूमन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखती है। इस कंपनी के भारत में 13,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। विस्टा इक्विटी पार्टनर अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में तीसरा बड़ा निवेशक बन गया है। इससे पहले सिल्वर लेक ने 4 मई को रिलायंस जियो में निवेश किया था। उसकी हिस्सेदारी 1.15% थी। महज 16 दिनों के अंदर रिलायंस जियो की ये तीसरी पार्टनरशिप है। फेसबुक ने इससे पहले कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी ली थी। वैसे रिलायंस जियो ने इन तीन डीलों के बाद 60,596 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 3 इन्वेस्टमेंट जुटा लिए हैं। इससे पहले फेसबुक की जो रिलायंस से डील हुई थी उससे फेसबुक ने रिलायंस को 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं सिल्वर लेक ने हाल में 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया है।